बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है दोस्तों। ये सुजुकी रावी है, ये स्लो में बंद हो रही है, कार्बोरेटर वाली गाड़ी है। मसला इसमें यह आ रहा है कि इसका स्लो जेट ख़राब है, ये वाला स्लो जेट काम नहीं कर रहा। ये बिल्कुल मकसद स्लो में जब हम एक्सीलेटर से पाँव उठाते हैं तो गाड़ी फ़ौरन बंद हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट कर। ये देखें दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक, ये स्टार्ट कर, इलेक्ट्रिक स्लो जेट है जो इसका, इलेक्ट्रिक स्लो जेट ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये केसी का स्लो जेट होता है वो, ठीक है ये इलेक्ट्रिक स्लो जेट काम नहीं कर रहा अपना, तो गाड़ी स्लो में बंद हो जाती है। अब हम इसको ठीक करके चेंज करके दिखाएंगे आपको, ठीक करके गाड़ी इंशाल्लाह। जब भी गाड़ी स्लो रनिंग में खड़ी नहीं हो रही कार्बोरेटर वाली गाड़ी, तो स्लो जेट का मसला होता है। ठीक है, एक ये साइड में स्लो जेट होता है छोटा, उसका मसला होता है, या ये इलेक्ट्रिक स्लो जेट का मसला होता है। ठीक है, और कोई मसला नहीं होता, या न्यूट्रल वाल में कचरा आ जाए तो फिर भी ये मसला कर सकती है कार्बोरेटर वाली गाड़ी। तो ये बटरफ्लाई का भी मसला हो सकता है, अगर बटरफ्लाई ख़राब है कार्बोरेटर की, तो फिर भी एक्सीलेटर से जब आप पाँव उठाएँगे तो गाड़ी स्लो रनिंग में फ़ौरन बंद हो जाएगी। दोस्तों ये सुजुकी रावी का ना हमने कार्बोरेटर खोला हुआ है, ये स्लो रनिंग में खड़ी नहीं हो रही थी, इसका स्लो जेट का मसला था, ये वाला स्लो जेट ख़राब था इसका, तो हमने इसको चेंज कर दिया और लगा रहे हैं। और दूसरा होता है ये स्लो जेट, इस स्लो जेट में भी कचरा, काफ़ी ज़्यादा कचरा था, ये स्लो जेट है। ठीक है, इसकी वजह, इस स्लो जेट का भी मसला होता है जब स्लो में गाड़ी खड़ी ना हो, और इस वाले स्लो जेट का भी मसला होता है। ठीक है, ये गाड़ी के ये सुराख होते हैं इसके ना, ये बंद हो गए थे कचरे की वजह से, तो इसलिए गाड़ी स्लो खड़ी नहीं हो रही थी। और दूसरा ये इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिक है, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ठीक है, तो ये अंदर की तरफ ऐसे चला जाता है, जब हम गाड़ी बंद करते हैं ये ऐसे बाहर निकल आता है, तो ये वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए गाड़ी स्लो में खड़ी नहीं हो रही थी, और इसमें भी कचरा था, तो हम इसको वाश कर रहे हैं कार्बोरेटर को इंशाल्लाह। तो बाकी इसका ये मिक्सचर होता है फ्यूल मिक्सचर जस्ट, तो इसका दूसरा मसला ये होता है कि ये बटरफ्लाई है, ये इसके सामने बटरफ्लाई है कार्बोरेटर की, ये बटरफ्लाई कट जाए, मकसद कि इसके अंदर से रोशनी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, मकसद है कि दूसरी तरफ रोशनी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ये कट ही हुई हो तो अगर तो कट जाए तो इसमें मसला होता है, गाड़ी आरपीएम या स्लो रनिंग में बंद हो जाती है, या गाड़ी ज़्यादा रेस में खड़ी होती है। अगर ये बटरफ्लाई ख़राब हो तो गाड़ी या स्लो रनिंग में खड़ी नहीं होती, बंद हो जाती है स्लो रनिंग में, या फिर गाड़ी ज़्यादा आरपीएम, मकसद है कि रेस में खड़ी होती है, ज़्यादा मकसद है कि रेस होती है, स्लो में खड़ी नहीं होती। जब हम इसे आरपीएम सेट करेंगे तो मकसद गाड़ी ऐसे महसूस कराएगी जैसे मिसिंग कर रही है, मकसद के ये, इसलिए ये हम इसकी बटरफ्लाई कार्बोरेटर की बिल्कुल ठीक है, ओके है, ये नया कार्बोरेटर है ठीक है। तो अगर ये मसला भी कर रही है तो आपने ये बटरफ्लाई भी आपने चेंज करवानी है, और इसका राड का बुश भी आपने लगवाना है ठीक है, और स्लो रनिंग जो ये जेट हैं इसके, ये भी आपने चेंज करने हैं। स्लो रनिंग में खड़ी ना हो तो ये मसला हो सकता है स्लो जेट और बटरफ्लाई का। अब ये देखें, ये इसका सराफ है, इसके अंदर पेट्रोल और एयर की लाइन है, ये हम स्प्रे यूज़ करेंगे इसके लिए ना, कचरा निकालने के लिए ये कार्बोरेटर स्प्रे यूज़ करेंगे। ये सारी इसकी चोक हुई है लाइन अंदर से सारा, ये देखें ये स्लो जेट वाली है, ये स्प्रे की मदद से हम इसको वाश करेंगे। स्प्रे इसलिए स्प्रे यूज करते हैं कि अंदर जो ब्रीक लाइन होती है पेट्रोल वाली फ्यूल वाली, वो उसके अंदर जो चोक वगैरह कचरा वगैरह होता है, वो प्रेशर होता है इसके अंदर बोतल के अंदर, तो वो निकल जाता है आसानी से। ये क्लीन हो चुका है बिल्कुल, वाश अंदर से कचरा सारा निकल गया।
स्प्रे मारते वक्त आपने ख्याल रखना कि आंखों में ना चला जाए, बहुत ज्यादा जलन होती है, केमिकल है बहुत गंदा। ये जी हमारा कार्बोरेटर नीट एंड क्लीन हो चुका है, तो अब हम इसकी फिटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे कैसे फिट करना है, वॉश करके। ये जी 750 रुपये की किट है कार्बोरेटर सुजुकी बलान की, ये स्लो जेट है, इलेक्ट्रिक स्लो जेट, ठीक है। ये किट है 750 की मुकम्मल किट है, ठीक है। ये हम नई डालेंगे इसके अंदर कार्बोरेटर के अंदर। ये सारा सामान है इसके अंदर, हम इसके अंदर सारा कार्बोरेटर के अंदर किट पूरी नई डाल रहे हैं, तो ठीक है। स्टार्ट करके आप लोगों को चेक कराएंगे स्लो रन गाड़ी की। दोस्तों ये हम इसको जेट फिट कर रहे हैं और हमने इस कार्बोरेटर को नीट एंड क्लीन कर दिया है स्प्रे की मदद से और पेट्रोल की मदद से, ये वॉश हो चुका है, ठीक है। इसकी न्यूट्रल वाल्व फिट हो चुकी है, अब इस कार में लगाएंगे ये टापा। ये इसके अंदर ये स्प्रे होता है इसका, ये बोकी है, स्प्रे है। इस टापे से कार्बोरेटर के जो फ्यूल इजाफी फ्यूल होता है इस जगह से वापसी हो जाता है। जब हम गाड़ी को अचानक एक्सीलेटर देते हैं तो ये देखें, ये स्प्रे इधर से स्प्रे निकलती है, स्प्रे कार्बोरेटर के अंदर जाती है तो गाड़ी अचानक एक्सीलेटर लेना शुरू हो जाती है। ये काट है इसका, ये इस तरह से आपने क्या करना है, इस तरह से इसको फेर के ऐसे इसके ऊपर आपने ये फिट कर देना, ठीक है। इसका फ्लूड का लेवल बिल्कुल ओके कर दिया और ये इसको मैं फिट कर रहा हूँ। ये देखें, इसके जैन वगैरह लगा दिए, अब इस गाड़ी के साथ इसको फिट करके स्टार्ट करके इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी स्लो रन सेटिंग और स्टार्टिंग सारी कुछ चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। इसकी फ्यूल एवरेज इंशाल्लाह 14-15 फ्यूल एवरेज हो जाएगी इसकी इंशाल्लाह। ये फ्यूल बहुत ज़्यादा खा रही थी, ब्लैक स्मोक दे रही थी सिलेंसर से, तो ये इंशाल्लाह ओके हो जाएगी। इसके बाद हमने ये कार्बोरेटर कम्प्लीट कर दिया है, तो इसके बाद हम आपको दिखाएँगे स्टार्टिंग, इसकी गाड़ी की स्टार्टिंग चेक करवाएँगे इंशाल्लाह। ये जी 93 मॉडल है गाड़ी सुजुकी रावी, इस जेन 2 स्ट्रोक आई है जेनवन, तो इसमें हमने इंजन इंस्टॉल किया था 4 स्ट्रोक,
ये इसका कार्बोरेटर का मसला था, स्लो रनिंग में खड़ी नहीं हो रही थी गाड़ी, वाइब्रेशन कर रही थी बहुत ज़्यादा और पेट्रोल ज़्यादा मकसद दे के खा रही थी। तो हमने इस कार्बोरेटर की ये वाला इलेक्ट्रिक स्लो जेट नया डाला, दूसरा स्लो जेट ये मिक्सर, मुकम्मल कार्बोरेटर की 750-700 की किट आती है वो हमने इसके अंदर डाल दिया मुकम्मल। माशाल्लाह गाड़ी फिट हो गई है और स्मोक ब्लैक भी छोड़ गई है और इंशाल्लाह एवरेज भी ठीक हो जाएगी, 13-14 की एवरेज करेगी ये गाड़ी। बंद करके स्टार्ट कर मार। रेस का केबल का मसला इशू है, ये रेस हो जाती थोड़ी सी उसको हम सेट करेंगे इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया, बंद करके स्टार्ट कर। बंद करके स्टार्ट कर। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया, इसका सिलेंसर चेक करवाता मैं आपको। ये चेक करें, ये बहुत ही ब्लैक स्मोक दे रही थी, अब थोड़ी देर बाद में इंशाल्लाह पानी आएगा क्योंकि अभी तो गाड़ी स्टार्ट की है। ये इसका सिलेंसर साफ करते हैं और इसकी इंशाल्लाह ओके हो गई है। जो उसको ये 93 मॉडल आई थी इसकी हमने कार्बोरेटर की सेटिंग की है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।